ओम शांति भाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 27/8/2024। मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है, शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। प्रश्न, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है, इसमें हट योग की बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, ये भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है, ये तो अच्छी रीति समझाओ। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ, एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं गुम हो जाते हैं सूच वतन में, इसमें क्या होता है। तीसरी पॉइंट, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मीर व मौत मलुका शिकार, इतने ढेर मनुष्य वह सब शरीर छोड़ देंगे। चौथी पॉइंट, वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। पांचवी पॉइंट, बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं, अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, पराए रावण राज में बैठे हैं। छठवीं पॉइंट, राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, राम राम कहे राम का नाम का दान देते हैं, अब कहाँ राम कहाँ शिव बाबा। सातवीं पॉइंट, आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आठवीं पॉइंट, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहाँ काल होता ही नहीं। नवी पॉइंट, पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था, सबसे बड़ा मंदिर एक ही है। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दसवीं पॉइंट, कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे, जितना बाप को याद करेंगे सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा धारणा के लिए मुख्यसार। पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गलफलत नहीं करनी है, पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है, ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं, जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान आज बाबा ने दिया, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। स्पष्टीकरण, योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना, मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ, जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है, श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल सता बनता है जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर
आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ एक वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। स्लोगन: अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।